ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर लाइन बॉक्स के बदले ट्रॉली बैग दिए जाने के फरमान पर या यूं कहें बॉक्स पोर्टर के कार्य को जबरदस्ती गाड़ी प्रबंधकों पर लादने के आदेश के खिलाफ बुधवार को पूरे देश के गाड़ी प्रबंधक अपने अपने मुख्यालय मंडल मुख्यालय एवं जोनल मुख्यालय में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उसी के तत्वाधान में धनबाद मंडल के गाड़ी प्रबंधक भी रेल प्रशासन के इस अव्यवहारिक व अमानवीय फैसले के विरुद्ध अपने केंद्रीय सहायक महासचिव ए के ठाकुर एवं जोनल सहायक सचिव आरिफ खान के नेतृत्व में परिचालन को प्रभावित किए बिना महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने आदेश जारी किया है। हम लोग ट्रेन मैनेजर्स हैं, पहले किसे आप लोग गार्ड के नाम से जानते थे, आज के समय में हमारा जो पद कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर्स यानी एक सुपरवाइजर का पद है। और आप आम आदमी जो रेल के सभी इस बात को जानते हैं कि गार्ड क्या होता है, क्योंकि उन्हें जब भी किसी भी चीज़ की चलती ट्रेन में दिक्कत होती है वो गार्ड को जाकर पहुँचते हैं। और हमारा जो हम है, हमारे लिए जो फिक्स जगह है वो हम लोग कहीं इधर नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि टीटी आपको मिले ना मिले, कभी काली कोट उतार करके रखते हैं, लेकिन हम अपने जगह पर रहते हैं और जो भी हमसे सहायता आवश्यकता होती है एक आम व्यक्ति को हम लोग को पूरा करते हैं। तो हम एक सुपरवाइजर कैटेगरी के कर्मचारी हैं रेलवे के, लेकिन पिछले महीने एक रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया जो आदेश हमें कूली बना दिया। मैं ऐसे शब्दों का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि एक आम व्यक्ति का कहा जाता है कि 38 किलो वजन ढोना है, एक कूली का वजन का लिमिट है 48 किलो, उससे ज़्यादा आप नहीं ढुलवा सकते। अगर उसे अतिरिक्त ढुलवाएंगे तो उसे अतिरिक्त आपको वेज देना पड़ेगा। देखते होंगे आप रेलवे, हम लोग जो घर से बाहर ड्यूटी के दौरान 2 से 3 दिन चलते हैं, मेरा निजी उपयोग की वस्तुएं हैं जिसका कि वजन 20 से 22 किलोमीटर ऑलरेडी चलते हैं। लेकिन जो रेलवे ने अभी आदेश किया कि रेल का संरक्षण का उपकरण जो बॉक्स में चलता था आज तक, उसे कहा कि मैं इस बॉक्स को बंद कर दूंगा और गार्ड जो है उस संरक्षा के उपकरण को साथ में लेकर चलेगा, यानी मुझे ढोना है। अब आप खुद अनुमान लगाएं, ट्रॉली के लिए फरमान जारी हुआ कि ट्रॉली में कि वो उसे लेकर के चलेंगे, तो 20-22 किलो वजन हमारे पास ऑलरेडी पहले से था और वो 20 किलो 25 किलो का वजन लेकर के, यानी जो 38 किलो का टारगेट एक ग्रुप डी स्टाफ ये कुली का है, उससे ज़्यादा वजन होना है। वो कहेंगे कि रास्ता में आपको ऑलरेडी है ट्रॉली खींचना है। मैं बताता हूँ कि यार्ड में कोई रास्ता नहीं होता है, गिट्टी है, उस पर ट्रॉली चलेगी क्या? हमें अपने सर पे उठाना हो। ये जो रेलवे बोर्ड का अमानवीय आदेश है, इसके विरुद्ध में पूरे भारतीय रेलवे में आज के दिन एक दिन का धरना चल रहा है और विरोध किया जा रहा है कि ये अमानवीय आदेश हम लोग नहीं सहन करेंगे, ये संभव नहीं है। और इससे सीधा सीधा रेल की संरक्षा प्रभावित होती है। रेल की संरक्षा क्यों? रेल की संरक्षा यानी आम आदमी की संरक्षा। दुर्घटनाएं जिस तरह से हो रही है, उस बॉक्स में सिर्फ वही वस्तुएं हैं जो रेल की संरक्षा के लिए आवश्यक है। हमारे संरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, यदि हम उस वस्तु को नहीं ले जाएंगे, निश्चित रूप से आम आदमी जो रेल में सफर करने वाले पैसेंजर है उनकी सुरक्षा का खतरा। और ये खतरा अगर रेल उठा रही है तो निश्चित रूप से आम आदमी को उठ करके आना चाहिए। हम तो विरोध कर रहे हैं, ये हमारी पहली कड़ी है आज कि हम पूरे भारतीय रेलवे के हर जोन, हर डिवीज़न और मुख्यालय पर आज ये कर रहे हैं। अगली बार हम अपने पत्नी और बच्चों के साथ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के साथ उनका भी जुड़ा हुआ है और आम आदमी का जुड़ाव है, हम तो कहेंगे कि आम आदमी को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगियां भी दांव पर हैं। क्योंकि उन्होंने क्या गलती किया है, वो कुछ गलती किए हैं क्या? उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, वो तो पे कर रहे हैं रेलवे को जाने के लिए, वो टिकट खरीद रहे हैं, रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके सुरक्षा और संरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो ये आम आदमियों को मैं आह्वान करूंगा कि वो भी इस आंदोलन में भाग लें और हम लोग तो अपने पति बच्चियों के साथ रहेंगे ही। ये अगला मेरा कदम होगा और आप देखिए क्या देखा आगे और बिल्कुल उग्र आंदोलन होगा। यदि रेलवे बोर्ड इसे वापस, इस अमानवीय आदेश को वापस नहीं लेता है तो ये इससे उग्र आंदोलन। अपने परिचय दे रहे हैं, मैं ठाकुर, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया गार्ड।